তাহলে নিশ্চয়ই একটা সংকল্প নিয়ে দিন আছে, সংকল্প নিয়ে যেতে হবে। আর নাই আমরা নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করব, এই সংকল্প নিয়ে আপনাদেরকে যেতে হবে এখান থেকে। আরে বাহ, আজ কেউ যা এসে সমস্যা হ্যান্ডিল সুবর্ণরেখা বিস্থাপিত সমস্যা, 40-45 সাল পহলে কা পরিযোজনা আজ ভি সমস্যা দশ কে দশ হ্যাঁ। আজ ভি বারিশ মে লোক ঘর মে পানি ঘুস রা হ্যাঁ। আজ আপলোক ভি জানতে হ্যাঁ, রাত অন্ধেরে মে জেসে চুহা কা বিল মে জো পানি ঘুসতা হ্যাঁ, চুহা কেসে ভাগতা হ্যাঁ, ওইসে আজ ভি ইহাঁ মজবুর হ্যাঁ হামারে লোক, বারিশ কে সময় উসি তরহ হম লোগ কো ভাগনা পড়তা হ্যাঁ। ইয়ে মঞ্জুর হ্যাঁ কি আপ লোগ কো? समाधान नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ राजनीति करने वाले लोगों का इच्छा शक्ति नहीं है कि यह समस्या का हम समाधान करेंगे। कभी भी इस बात को लेकर के गंभीर नहीं रहा। आज आप लोग देखते हैं यहाँ हाथी का प्रकोप है। 2000 साल में जब झारखंड बना उस समय हाथी कभी कभी यहाँ आया करते थे, कभी कभी हम लोग देखते थे जब गांव में हाथी आता था उसी को हम लोग देखने के लिए पीछे पीछे दौड़ते थे। आज ये परिस्थिति खड़ा हो गया इटागढ़ में, आज हमारा हाथी के भय से हम घर घर पहुंचेंगे, ये एक भय रहता है बना हुआ रहता है। ऐसा क्यों, क्यों इसका रोकथाम नहीं हो रहा है, रोकथाम का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर इसका रोकथाम का अगर प्रयास किया जाना चाहिए तो कम से कम निश्चित रूप से आज संकल्प लेकर के जाना होगा। 2024 का जो चुनाव है उसमें स्थानीय के हिसाब से सुखराम हेमरम को एक बार समर्थन आपको करना पड़ेगा। हम यहाँ बेरोजगार और बेकार आदमी बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ हमारा हाथ में कोई काम नहीं है। हमारा लोग जब बेटा बड़े हो जाते हैं शादी वादी कर लेते हैं उसके हाथ में रोजगार नहीं तो बाप में मजबूर होकर के माँ बाबा बुढ़े माँ बाबा को छोड़ करके परदेश काम करने चल जाते हैं, बंगाल चल जाते हैं, महाराष्ट्र चल जाते हैं, गुजरात चल जाते हैं, गोवा चल जाते हैं। शायद यहाँ भी बहुत ऐसे माँ बाबा है जिसका बेटा बेटी बाहर में मजदूरी करने के लिए गए हुए हैं। गए हैं कि नहीं गए हैं दादा? यही परिस्थिति है हमारे इटागढ़ विधानसभा का। आज यहाँ हम लोग ने 116 गांव को विस्थापित किए हैं, 116 गांव हम लोग ने डैम में दे दिए हैं। कितना पानी है हमारा डैम में, लेकिन आज हम वादा करते हैं अगर आपको अपने घर में ही अपने खेत खलियान में ही अगर कमाना है और रोजगार करना है, अपना बेटा बेटी को अन्य प्रदेश में काम अगर नहीं जाना है तो निश्चित रूप से हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कैसे हो सकता है। हमारा खेत है, हमारा बाड़ी है जहां हम लोग सब्जी भी उगा सकते हैं और धान तो उगा ही लेते हैं, लेकिन हम लोग ऊपर वाले के भरोसा में 12 महीने का साल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग 4 महीना के लिए खेत में हम लोग का फसल रहता है, 8 महीना हमारा खेत खाली ही रहता है। आप लोग बताओ अगर आपका खेत में 365 दिन 12 महीना सिंचाई का अगर पानी आपका खेत में मिल जाएगा तो आप क्या अपना बेटा बेटी को बाहर भेजिएगा? बताओ बाहर भेजिएगा आप लोग? तो हम लोग यही उपाय कर सकते हैं कि हमारा डैम का पानी लिफ्ट इरीगेशन करके 12 महीना हम लोग खेत में सिंचाई का व्यवस्था करेंगे, वहीं से हम लोग अपना जीविका उपार्जन कर सकते हैं। यही काम को करने के लिए आज हम लोग यहाँ इस बात को कर रहे हैं। यही सब काम जो महाशय लोग कर सकते थे लेकिन उन लोगों का इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण एक भी बीघा में पटवान करने का सिंचाई करने का कोई काम नहीं किया है लोग, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग अगर मजबूत हो गया, हम लोग अगर शक्तिशाली बन गया, हम
हमारा यहाँ का गरीब किसान मजदूर के घर में अगर आर्थिक उन्नति हो गया, आर्थिक सशक्तिकरण हो गया, तो वो लोग जानते हैं हमारा दुकानदारी नहीं चलेगा, हमारा राजनीति नहीं चलेगा यहाँ। इसलिए ऐसे योजना को धरातल में उतारने का कभी प्रयास नहीं किया। यहाँ शिक्षा की जहां तक बात है, हमारा शिक्षित जो भी हम आज सभी माँ बाबा चाहते हैं कि हमारा बेटा बेटी को अच्छा से एजुकेशन मिले, अच्छा से पढ़ लिख ले, लेकिन आज जो स्थिति है स्कूल का कॉलेज का, आज आप लोग जानते हैं अपना यहाँ जितना भी माँ बाबा है किसान मजदूर गरीब का, सभी लोग हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए, सरकारी स्कूल में शिक्षक लोग योग्यतासीन शिक्षक हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये व्यवस्था ऐसा करके रखता है। आज आप लोग सभी लोग जानते हैं अपना बच्चा जो स्कूल जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दोपहर का भोजन खाने के लिए ही एक पात्र है, मध्याह्न भोजन तक ही सीमित हो गया, क्योंकि जो मास्टर स्कूल में है वर्तमान में वो मास्टर को ऊपर में जो अधिकारी बैठे हैं वो लोग आपका यहाँ कितना बच्चे आए, कितना बच्चा को आप पढ़ाएं, क्या क्या पढ़ाएं, इसका मूल्यांकन रिपोर्ट हमको दीजिए, ये नहीं मांग होता है साथियों। सिर्फ क्या मांग करते हैं कि आपका स्कूल में आज कितना बच्चे अटेंडेंस है, कितना बच्चे को आप मध्याह्न भोजन खिलाए, इसका आप शाम तक हमको व्हाट्सएप में रिपोर्ट भेजिए, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगा, ये रिपोर्ट मांगा जाए। क्या इस रिपोर्ट में हमारा बच्चा पढ़ सकते हैं क्या? आज हम दावे के साथ कह सकते हैं आप लोगों के सामने, आप लोगों का बेटा बेटी को एक बार चेक करके देखिए, जो 9 और 10 में पढ़ रहे हैं, एक तो वीडियो या सीओ या थाने प्रभारी के नाम से एक आवेदन लिखवाइए, तो पता चल जाएगा कि हमारा बेटा कितना पढ़ लिखा। आपका बेटा बहुत हुनरमंद है, बहुत टैलेंट है, लेकिन मजबूरी ये है कि उसको स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होता। पढ़ने के लिए मास्टर लोगों को जो काम मास्टर लोगों का था उस काम से किनारा में रखा है। ये बहुत बड़ा साजिश है। ये साजिश इसलिए है कि यहाँ का लोग अगर शिक्षित हो गया, यहाँ का लोग अगर ज्ञान हो गया, तो ही यहाँ का दुकानदारी बंद हो जाएगा। बाहर से जो लोग आते हैं उन लोगों का दुकानदारी बंद हो जाएगा, वो लोग झूठ बोल करके राजनीतिक नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये व्यवस्था बनाया जा रहा है। দাদারা আপনারাকে নিবেদন করে জানাবো, এইরকম অনেক সমস্যা রয়েছে, বিজলির সমস্যা, বিজলি আপনাদের এখানে মনে হয় যখন বিজলির দরকার, সন্ধ্যাবেলা যখন ছানাপোনাদের আমাদের পড়ার সময় রান্ধবার সময় তখন দেখবেন বিজলি বাতিটা নাই, যখন আসবে যখন আমরা হাটে যাব ঘুমাতে তখন দেখবে বিজলি একদম টনাটন, যে সময়টায় বিজলির দরকার নাই সে সময়টায় বিজলি আমাদের, লেকিন আমাদের যখন দরকার সে সময়টা আমাদের বিজলি নাই, এরকম হয় কি নাই হয়ে যায়। এই সমস্যা গুলাকে সমাধান করার জন্য একদিনও প্রয়াস করা নাই হয়ে, এই যে নেতারা একদিনও প্রয়াস নাই করে, এই জন্যে আজকে সুগ্রাম হেমব্রম আপনাদের কাছে সংকল্প নিতে আসেছে, এই সমস্যা গুলাকে যদি সমাধান করতে হয় তাহলে একবার আপনাদের জোরদার কমসে কম সুগ্রাম হেমব্রমকে একবার সমর্থন করার একবার এলান হওয়া দরকার। এই সমস্যা সুগ্রাম হেমব্রমের সমস্যা নয়, এই ইটাগড় বিধানসভার সমস্যা, এক এক মানুষের সমস্যা, এক এক জাতির সমস্যা, এটা জাতি কোনো নাই। এই জাতি ভেদে আমরা কে লড়াই লড়িয়ে রাজনৈতিক লাভ নেওয়ার যে কাজ করে সেগুলা ছিল আমরাকে সাবধান থাকতে, সাবধান সতর্ক যাইয়ে আপনার চলেগা। এবার আপনার মানে কহনা চাহতে হ্যাঁ, এবার নেতা লোকো কম সে কম এ সবাল জরুর কিজে, আপকে পাশ ইস ক্ষেত্র কা সমস্যা সমাধান করনে কা এজেন্ডা ক্যা হ্যায়, আপকা ইয়াহ বিকাশ করনে কা এজেন্ডা ক্যা হ্যায়, ও এজেন্ডা সে বাত করো তব আপকো সমর্থন হোগা, नहीं तो आपको भाई भाई यहां से चले जाइए, ये बात करना होगा। हम लोग क्या हम लोग खाली राजनीतिक राजनीति करते रहेंगे और हमारा विकास का नाम से कुछ नहीं, समस्या जस के तस जहां है वहीं है। हम लोग आज भी
वही युग में है। आज भी बहुत ऐसे गांव है जहां जाने के लिए सड़क नहीं है, जहां जाने के लिए पुलिया नहीं है। बहुत आज भी ऐसे गांव है जहां कीचड़ नुमा रास्ता से आज हम लोग को जाना पड़ता है। बहुत ऐसे गांव है, एक गांव नहीं, यहां पर एक ढोंडरा घोड़ा करके गांव है जहां हमारा 30-30 परिवार रहते हैं। लेकिन आज भी दुर्भाग्य की बात है, आज इतना साल हो गया आजादी को, 78 साल हो गया, झारखंड बन के 24 साल पूरा हो गया, लेकिन उस गांव में जाने के लिए आज नहीं रास्ता है। कितना दुर्भाग्य की बात है। यही सब समस्या से मुक्ति के लिए आज ये मुक्ति संकल्प सभा है। ये समस्या को जोर से मिटाना है तो हम लोगों को कम से कम एक बार इचागढ़ को ठान लेना होगा। इस बार हम लोग निश्चित रूप से बदलाव लाएंगे यहाँ और स्थानियों को ही हम लोग इस बार जाएंगे। बहुत ऐसे बातें हैं।